टू न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, पहले इसको बंद करता हूँ, बाहर चलते हैं, फैन बंद कर देता हूँ। और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बनाया, इतने दिनों से कम हफ्ते भर से, क्योंकि अभी मैं क्या काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। और अभी देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहाड़ों पर रहने का मज़ा कुछ अलग ही है, आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो देखना। ये देखो अभी तक सूरज की रोशनी आ रही है, और ये सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पर इस चीज को। ये ओरिजिनल रियल व्यू, शायद ही कभी किसी को। और अभी टाइम आ रहा है शाम का, लेकिन ये सीन देखो, जबकि ये उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा ये है दक्षिण, ये पूरब है। और इधर से मैं आपको जो ये शॉट दिखा रहा हूँ, ये पश्चिम है और सामने अभी तक रोशनी, और आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी। ये होता है पहाड़ों में मज़ा, ये छत से हमारा जैसे जन्नत में दिखाने गई, ये चीज़ें हर कहीं नहीं मिलती है। अजान हो चुकी है, और जिसे स्वर्ग कहते हैं हम, इसे स्वर्ग कहते हैं। ये चीज़ें रियलिटी, ये सब रियल है, ये कोई फेक नहीं है ना। इसको अभी मैंने कुछ करा है इसमें छेड़छाड़, केवल मोबाइल से व्यू बना रहा हूँ। और जो ये व्यू है ये सब नेचुरल है, ये देखो शायद ही कहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं हम लोग। सब चीज़ नेचुरल दिखाता हूँ, और कुछ भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एडिटिंग करके गाइस मज़ा नहीं आता, जो नेचुरल है वो चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया था अपना, कि अजमेर कहते हैं कि अजमेर है रेगिस्तान का है, राजस्थान में कुछ नहीं है, बट जो यहाँ है वो शायद ही कहीं और मिलेगा। और अभी तो अभी तक व्यू शानदार आ रहा है, तो सब नेचुरल दिखते हैं। लोग कहते हैं कि आप एडिटिंग करते हो, ये करते हो, बट गाइस मैं आपको सीरियसली ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी इसमें एडिटिंग करके नहीं दिखाता, मैं जैसा है वैसा। हाँ, कुछ एक आध हिस्सा है, जैसे मेरे कुछ लैंग्वेज है, तो कहीं पर घर में कुछ बोलते हैं तो जो सब कुछ तो आपको दिखा नहीं सकता कि भाई घर में क्या है क्या नहीं, तो वहाँ हल्का सा कट लगाता हूँ केवल, जो गलती से अगर कुछ गलत निकल जाए, क्योंकि YouTube पे कुछ ऐसे कहाँ है जिस पर अपन रोक के दिखा नहीं सकते पूरा, अगर मैं वो दिखा दूँ तो मेरे पर स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे, और चैनल पे क्लेम हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ तो हटाना ज़रूरी है। अभी चलते नीचे, इसलिए वो सब चीज़ें हटाता हूँ। और मेरे को इतनी एडिटिंग भी नहीं आती है, रियल बात तो यह है, तो मैं कुछ एडिटिंग करता नहीं हूँ, बस चेक कर लेता हूँ एक बार एडिटिंग के नाम पर कि भाई क्या कुछ कोई गलत वर्ड नहीं निकल रहा, या किसी के बारे में, या कोई ब्रांड प्रमोशन यह तो नहीं हो रही है। इसके लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और एडिट करता हूँ, बस कहीं से कुछ काटना हो तो, बाकी तो सब नेचुरल है। लोग कहते हैं कि आप सीरियस बहुत ज़्यादा रहते हो कैमरे के सामने, मैं सीरियस वैसे सीरियस नहीं है, ये वैसे ऐसा है कि सीरियस लगता है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात करते हो, कैमरे में देखते नहीं हो वगैरह, तो गाइस कैमरे में बात ऐसी है कि मैं आसपास कोई एकदम कोई खड़ा ही रहता है, तो मैं उनसे भी बातें कर लेता हूँ और आप लोगों से भी बातें करता रहता हूँ, इसलिए हमें इधर उधर नहीं होता है ताकि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए उनकी बातों का भी जवाब देता हूँ। और सीरियस तो ऐसा है कि चेहरे पर तो
शुरू से स्माइल रही नहीं है, चेहरा ही ऐसा बनाया भगवान ने कि सीरियस जैसा हंसी आती नहीं है चेहरे पर। हंसी आती है अंदर से, हंसी है, खुशी है, बस दिखाना किसी को, किसी को नहीं दिखाना, दिखा के क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसलिए नहीं तो किसने कहा नड़ा गया, पानी तो आया नहीं, पानी ऊपर से जरूर पानी आ रहा दो दिन से, गैस बारिश आ रही है रुक रुक के, हटवा रहे हो आसमान से, ऊपर से जरूर पानी आ रहा, नल नहीं आ रहा तो ऊपर से आए पानी। बाहर क्या करेगी, बाहर इसमें खेल के क्या करेगी, और आज सवेरे से तो बारिश आ ही रही है बहुत ज्यादा। सवेरे 4 बजे से बारिश आ रही है, ऑफिस गया जब से, और आज दिन को लेट आया था, आगे खाना खा के सो गया था, क्योंकि थकान बहुत हो रही है अभी, इसलिए पागल लड़के, पागल लड़के। और हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, चले बना लिया तू, मोबाइल गिरा देता है बार बार, और बाल आज पता नहीं कैसे हो रहे, सो के उठा जो, और भाई ने आज बोला था घूमने चलेंगे बट आज फिर वापस तो गाड़ी लेके चले गए। अभी तो यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी भी चल रही है, हाइट पर और सामने पहाड़ों पर भी बादल है लेकिन दिखेंगे नहीं गाइस, दिखाता हूँ आप गाइस, पहाड़ पर भी बादल काफ़ी ज़्यादा हैं बट अभी सारे ऊपर से निकल गए, और खेतों में फसल हो चुकी है अच्छे वाली, पास वाले खेत में भी हो गई है, देखो गाइस ये सारी फसल है खेत में, ये बारिश का पानी से हुई है, और अंकल के लौकी की बेल लग चुकी है, और इतने दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये, सवेरे जा रहा हूँ रात को लेट आ रहा हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ सामने बद्दल, ये देखें इस पहाड़ी पर बद्दल है, इधर भी है लेकिन बारिश आ रही है बाहर इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, और इधर तो टावर तो दिख ही नहीं रहा है, पूरे बारिश बारिश चारों तरफ बदल चल रहे खतरनाक वाले, खतरनाक वाला, बाकी सब घूमने जा रहे हैं, और इस पर देखो इस पहाड़ के बीच में जो चोटी है वहाँ तक बदल है, आपको दिख रहा होगा, ये सामने मदार साहब हैं, और पीछे वाले पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये पीछे वाला पहाड़ पर बद्दल है, बारिश है इस पर भी हो गए इस वाली पहाड़ी पे, ये तो होगा इस क्योंकि जूम कर रहा है और बारिश आ रही है इसलिए इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, बाकी यहाँ खतरनाक वाला है बद्दल हो रखा है, चलने में भले ही है हवा बहुत तेज चल रही है, और इस पर एक दो दिन में झड़ने शुरू हो जाएंगे, और देखो कितना फास्ट चल रहा पत्थर, अजमेर शहर है भाई अजमेर शहर, और चलते नीचे, ऊपर तो बहुत काफ़ी ठंडी हवा आ रही है इसलिए नीचे चलने में ही भले ही है, ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, चलते हैं नीचे, बस तो कुछ ज़्यादा ही बार ठंडी हवा हो गई और तेज़ हवा हो गई, लड़की नीचे गई है, और
आज तो मैं कहीं पर गया भी नहीं, घर में ही हूँ। हाँ 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 ठंडी हवा चल रही है और करेले की सब्जी बन गई है। हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट डे। और कल और परसों लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया था, कंप्लीट हो नहीं रहे थे ब्लॉग, किसी न किसी काम से मैं उलझ जाता था, टाइम नहीं मिलता था अपलोडिंग का वगैरह का, इसलिए तो आज मैंने सोचा इसको ब्लॉग को कंप्लीट करके जो भी कल और परसों दो दिन में किया है वो एक ही ब्लॉग में बता दूं आप लोगों को। ज़्यादा तो कुछ बना नहीं पाया था वीडियो, अपलोड भी इसलिए नहीं कर पाया, सच बात तो ये कि मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया था इसलिए। और आज देखो अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो रही होगी, एक्चुअली 7:30 हो रही है ये देखो। और दो दिन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं क्या, मोबाइल तो मेरे पास रहता है बट इधर उधर कहीं काम से निकल जाता हूँ मैं, तो व्लॉग कंप्लीट कर नहीं पा रहा था मैं, इसलिए व्लॉग आ नहीं रहते हैं। छोटे छोटे सीन हो रहते हैं और रिकॉर्डिंग से ज़्यादा तो मेरे पास काम आ गया था इसलिए कंप्लीट हो नहीं रहते। और आज सब्जी बन गई आलू गोभी की, अभी सब कहेंगे फिर तूने सब्जी दिखा दी व्लॉग में, सब्जी की रोटी खाना डाल दिया। और आज एक अच्छी बात है कि मम्मी ने दोनों डोज लगवा ली, डांटना पड़ा मम्मी ने और पापा ने, दोनों ने, दोनों को डोज लगवा चुके हैं और मैंने अभी लगवाई नहीं है। हैं लगवा ली क्या, बाकी सबने लगवा ली घर वाले, बस मैंने नहीं लगवाई, मैंने नहीं लगवाई। मैंने क्यों नहीं लगवाई, लगवा लेंगे टीका कौन सा भागा। एक्चुअल में ठीक है जो डोज थी वो ख़त्म हो चुकी थी इसलिए मैंने लगवाई नहीं, मेरा नंबर आया तब तक वो ख़त्म हो गए थी और फिर शाम को लेट आई थी और मैं ऑफिस से वापस आ गया था मैं 2:30 बजे, इसलिए। और आज आपको दिखाता हूँ ये मैंने घर में नई चीज ली है मस्त खाने की, क्यों ये देखो गाइस, ये बर के घेवर मंगाए थे मैंने खुद ने मंगाए और बर्स के फेमस घेवर मंगाए थे, ब्यावर के पास है बर, पाली जोधपुर ब्यावर बर एक ही रूट पे है, पता ही नहीं इसको, अभी मैं टेस्ट करके इसका रिव्यू देता हूँ। तो गाइस घेवर तो खा लिया, घेवर टेस्टी था। और अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को एडिट करने की और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आप नए मेरे चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अब जाके मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, एडिट करता हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग भी अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पता नहीं अभी तक कि नेक्स्ट ब्लॉग कब तक आएगा, इसके लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।